महे सुगंधि पुष्टिवर्धनम वारुत्वे वंदनानि प्योरुषे मामिता। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, आज खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां पर ज्ञान प्रकाश तिवारी जी हवन के माध्यम से कोरोना भगाने में लगे हैं। जी हां, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हवन सामग्री का जो धुआं जब उठता है तो उससे वातावरण शुद्ध होता है, और ये हमारे जो योगी महाराज, जो हमारे पुरखे हैं, वो हवन करते आए हैं और हवन से पूरे वातावरण को शुद्ध करके बीमारियां भगाते आए हैं। जी हां, तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे कानपुर से ज्ञान प्रकाश तिवारी जी आज हवन करके कोरोना को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं ज्ञान प्रकाश तिवारी जी के पास में, क्योंकि ज्ञान प्रकाश तिवारी जी बता रहे हैं कि देश के कोने कोने में जहाँ जहाँ उनकी शाखाएँ हैं, वहाँ वहाँ पर इस हवन को किया जा रहा है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं ज्ञान प्रकाश जी के पास और जानते हैं उनसे कि इस हवन से क्या क्या फायदा होने वाला है। हमारा नाम ज्ञान प्रकाश तिवारी है, हम राष्ट्रीय ब्रह्म चेतना ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज हमारा ये संगठन जो है पूरे देश में गायत्री महायज्ञ और महामृत्युंजय मंत्र का जाप 24 बार कर रहा है, और इन्हीं शब्दों के साथ हमारा पूरे देश में महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री महायज्ञ की आहुतियाँ भी 24 बार डाली जा रही, जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि जिसमें नीम की पत्ती, बेल की पत्ती, गिलोय और हवन यज्ञ, इसको मिलाकर हम 24-24 बार आहुति पूरे भारत के समस्त छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश, हमारी बहनें और हमारे तमाम भाई लोग हवन यज्ञ कर रहे हैं। हमारी जो जाप चल रहा है, हमारा इस यज्ञ करने का मकसद यही है कि हम कोरोना वायरस को भगा सकें, और आज हमारा देश जिस कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे राष्ट्रीय ब्रह्म चेतना ग्रुप के पदाधिकारियों ने संकल्प लिया है, जिसे पूरा करने का हम लोगों का ये संकल्प है, और निश्चित तौर पर हम इससे विजय होंगे, जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।